यस, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मीन्स वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी यूनियन एंड इंटरसेक्शन की, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। राइट, सपोज ये ए है, ये सपोज बी है, तो दिस सेक्शन इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। अब इस केस में आपसे नंबर ऑफ ए यूनियन बी पूछा जाए तो सिंपल एन ए प्लस एन बी माइनस ऑफ कॉमन। कॉमन माइनस इसलिए करना होगा क्योंकि आपको लॉजिकल समझ में आती होगी बात कि टू टाइम काउंट नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर एंड अगर डिसजॉइंट सेट होगा तो ये पोर्शन अपने आप ही जीरो हो जाएगा। डिसजॉइंट सेट में याद रखिएगा, ऐसा अगर ये है तो ए ये बी, तो ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा जीरो होंगे। राइट, मतलब एम्प्टी सेट होगा बेसिकली, ऐसा बोल सकते हैं। अब अगर मैं बोलूं एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आप बोलेंगे एन ए, थ्री के लिए क्या होगा, वेन डायग्राम से समझें, हम लॉजिकली समझें, तो थ्री के लिए क्या होगा कंसेप्ट देखिए, ए ये बी एंड दिस इज सी, ए बी एंड सी, दिस सेक्शन इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये वाला जो सेक्शन होगा ये होगा ए इंटरसेक्शन बी, ये जो सेक्शन होगा ये होगा ए इंटरसेक्शन सी, ये जो सेक्शन होगा ये होगा बी इंटरसेक्शन सी। तो अगर आपसे इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी बोलें तो सिंपल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो कॉमन है वो आपको माइनस करना, तो क्या क्या कॉमन है, ये कॉमन है तीनों, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी, सी प्रोबेबिलिटी में बहुत काम आते हैं फॉर्मूले, सी इंटरसेक्शन ए प्लस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। प्लस इसलिए किया क्योंकि हर बार ये वाला सेक्शन माइनस हो गया, पर वन टाइम तो लेना होगा इसलिए हमने उसको प्लस किया। राइट, अब इस पे बेस क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो एक्सरसाइज से क्लियर हो जाएगा आपको, नोट करिए इसको। यस, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एक्सरसाइज का क्या है। इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एन एक्स इक्वल टू एन एक्स में 17 एलिमेंट है, एन वाई में 23 एलिमेंट है, एक्स इंटरसेक्शन वाई में 38 पॉइंट एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। दिस इज 38 गिवन है 17 प्लस 23 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो एक्स इंटरसेक्शन वाई ये हो गया 40 माइनस 38, तो टू एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन हैं। राइट, बिल्कुल सिंपल वर्ड प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम से, नो डाउन। यस, क्वेश्चन नंबर टू देखते, देखिए क्या है। इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट, ठीक है, एक्स यूनियन वाई में कितने एलिमेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, 18 नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम देखें, एक्स हैज 8 एलिमेंट वाई हैज 15 एलिमेंट, देन हाउ मैनी एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन ही है, तो एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई भी लिख सकते हैं, फॉर्मूले को इंटरचेंज कर दिया, 8 प्लस 15 माइनस ऑफ 18 23 माइनस 18 दिस इज 5। राइट, नो डाउन। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल्स 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। सिंपल क्वेश्चन है, टोटल 400 है तो 250 प्लस 200 होता है 450, यानी 50 कॉमन हो गए, 50 ऐसा सोचिएगा 50 कॉमन हो गए, ये हो गया हिंदी, ये हो गया इंग्लिश। वेन डायग्राम से आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, तो 250 स्पीक हिंदी, तो 200 प्लस 250 हो गया, इंग्लिश वाले 150 प्लस 50 200 हो गया। आप पूछा है हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो आप आंसर वेन डायग्राम से देख के बोल सकते हो, हिंदी एंड इंग्लिश इक्वल टू 50। बाय मेथड करते तो आप लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट हिंदी यूनियन इंग्लिश इक्वल टू हिंदी प्लस इंग्लिश माइनस हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। राइट, ये पूछा है आपको, ये दिया हुआ 400 250 प्लस 200 माइनस हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश दिस इक्वल टू। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं बट इंपॉर्टेंट होते हैं, रीजनिंग में बहुत हेल्प करते हैं आपकी, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, देखिए क्या है। इफ एस एंड टी आर टू सेट सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट, राइट, टी हैज 32 एलिमेंट, एस इंटरसेक्शन टी
ये नंबर ऑफ एलिमेंट है, यहाँ पे टी लिखना था मुझे। 11 एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट डज वाई हैव? एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लूं। हाउ मेनी एलिमेंट डज एस यूनियन टी पूछा है आपसे, राइट? तो एस यूनियन टी पूछा है, तो सिंपल एस यूनियन टी, हम ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, एन एस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी, दिस इज 21, दिस इज 32 माइनस ऑफ 11, राइट? तो ये हो गया 42 इज द राइट आंसर। क्लियर है? नोट करिए। यस, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स हैज 40 एलिमेंट, एक्स में कितने एलिमेंट हैं? सिंपल क्वेश्चन हैं काफी, 40। वाई में फाइंड करना है, एक्स यूनियन वाई में 60 हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 एलिमेंट है। बस फॉर्मूला लगा दीजिए तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, राइट? कितना? 60 इक्वल टू 40 प्लस एन वाई माइनस ऑफ 10, ये 30 हो गया, तो 30 इक्वल टू एन वाई, यानी वाई में 30 एलिमेंट कंटेन कर रहा होगा, राइट? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स है। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल्स, ठीक है, 70% का एक ग्रुप है, 32 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी? तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, देखिए टोटल 70 है, आप सबसे पहले इनको ऐड किया करिए, तो ये हो गया कितना, 84। 84 मीन्स 14 कॉमन हो गए, ये टी ये कॉफ़ी 14 कॉमन हो गए, तो 14 इसमें माइनस कर दीजिए, 14 इसमें माइनस कर दीजिए तो 18, 14 इसमें माइनस कर दीजिए तो 38, राइट? अब कॉमन वाले हो गए 14, जो पूछा है बाकी इसको करते तो आप ऐसा करते, टी यूनियन सी इक्वल टू कॉफ़ी, टी प्लस कॉफ़ी, यही सिंबल ले लिया करिए, टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी, ये 70 है, दिस इज 32 प्लस 52 माइनस एन टी यूनियन सी, तो एन टी यूनियन सी इक्वल टू 84 माइनस 70, दिस इक्वल टू 14, राइट? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन्थ क्या है। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल्स, 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ, देखिए 65 पीपल्स का ग्रुप है जिसमें 40 लाइक्स क्रिकेट, टेनिस का भी नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क है, एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक? अब देखिए इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से तो हम एक बार में कर सकते हैं, ये क्रिकेट ये टेनिस, 10 हो गए बोथ वाले, अब बोला 40 लाइक क्रिकेट यानी 30 क्रिकेट वाले हो गए, और टोटल 65 है, तो 30 प्लस 10 40, तो कितना मिला, 25, यानी ये ओवरऑल हो गया। अब आपसे जैसे पूछा है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, तो टेनिस ओनली 25, टेनिस ओनली मीन्स लाइक दिस, कितने लोग टेनिस खेलते हैं, 25, एंड नॉट क्रिकेट, और फिर पूछा है हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो टेनिस लाइक मीन्स 35। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, विदाउट फॉर्मूला भी कर सकते थे, फॉर्मूले से भी आप कर सकते थे, फॉर्मूले से करते तो आप लिखते क्रिकेट यूनियन टेनिस इक्वल टू क्रिकेट प्लस टेनिस माइनस क्रिकेट यूनियन इंटरसेक्शन टेनिस। अब टोटल है 65, क्रिकेट वाले हैं 40, ये निकालना है टेनिस माइनस ऑफ कॉमन 10, तो ये हो गया कितना, एक मिनट, ये कितना हो गया, 65 था, अच्छा सॉरी 40 लाइक क्रिकेट, हाँ ठीक है, तो ये हो गया 65 इक्वल टू 30 प्लस एंड टेनिस, राइट? 30 माइनस कर दीजिए तो मतलब मैंने वहां पे वो सही लिखा है, तो टेनिस वाले कितने हो गए, टेनिस वाले हो गए 35। अब ओनली टेनिस बोले तो ये 10 माइनस कर दीजिए, राइट? क्रिकेट ओनली टेनिस मतलब टेनिस माइनस क्रिकेट, तो 35 माइनस 10 दिस इज 25, राइट? वेन डायग्राम से कोई भी क्वेश्चन बहुत क्विकली आप सॉल्व कर सकते हैं, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इन अ कमेटी 50 पीपल्स स्पीक फ्रेंच, ठीक है 50 जो है वो फ्रेंच बोल रहे हैं, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज? सिंपल क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से इजीली कर सकते हैं, ये फ्रेंच ये स्पेनिश,
पहले कॉमन 10, तो ये 40 हो गया और ये 10 हो गया, ओवरऑल कितने हो गए 60, तो टोटल कितना हो गया 60। अब 10 इसमें क्योंकि कॉमन है, अब बोला है कि एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज, तो एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज वाले हो गए 50, राइट। आपसे ये पूछा है एन एफ यूनियन एस मीन्स एन एफ प्लस एन एस माइनस एफ इंटरसेक्शन एस, तो कितना हो जाएगा बोलिए, 50 प्लस 20 माइनस 10 कॉमन, 60 लोग ऐसे होंगे जो कि 60 लोग ऐसे होंगे जो कम से कम कोई एक लैंग्वेज बोलते होंगे इन दोनों में से, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब ये मैंने आपको 1.6 करवाया, इसके बाद मिसलिनियस एक्सरसाइज है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं एनसीईआरटी में जिसके मिसलिनियस आपसे बहुत इजीली बन जाएगी। इनफैक्ट ये वाला पोर्शन पूरा जो सेट का था, जो मैंने कॉम्पिटेटिव वाले पोर्शन में डिटेल में करवाया था, उसके बाद सिंगल क्वेश्चन में भी डाउट नहीं आ सकता था, पर क्योंकि हम एनसीईआरटी को भी कवर करना है हमको, इसलिए मैंने करवाया। तो जहां पर मुझे लगता है कि मिसलिनियस एक्सरसाइज आप सेल्फ कर सकते हैं, वहां आपको मैं छोड़ूंगा, वो नहीं करवाऊंगा। अदरवाइज मैं आपको कुछ एक्सरसाइज ऐसी भी होंगी जिनमें एग्जाम्पल एक्सरसाइज के साथ साथ मिसलिनियस भी कवर करूंगा। तो पर्टिकुलर सेट, रिलेशन, फंक्शन, ये बहुत डिटेल में कवर करा हुआ टॉपिक है। तो एनसीईआरटी में बहुत ही मिनिमम प्रॉब्लम्स हैं जो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगी। तो इस वाले पोर्शन में मैं मिसलिनियस एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ूंगा, जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कहीं आपको कोई डाउट्स नहीं आएंगे। नोट कर लीजिए क्वेश्चन।